Good morning, children. So now, yesterday in our last class, we started about who all are neighbors, who all are neighborhood, why neighborhood is important, and what are different kinds of places in our neighbors, right? So today we will going to continue with our postman. Okay, the post office, which is in our neighborhood, and how does it work? So in last class we started that we write letter, हम लोग letter लिखते हैं और वो letter हम लोग post office में डाल देते हैं, sorry post box में डाल देते हैं, right? अब post box में डालने के बाद में क्या होता है, postman collects the letters from the letter box, ठीक है, postman आता है letter box में से letters को collect करता है, take them to the post office लेके जाता है, and letters are sorted and sent to various places from the post office, right? अलग अलग address के according अलग अलग letters का bundle बनता है और उन bundles को फिर अलग अलग post office से places में भेज दिया जाता है. ये मैम ने आपको live class में भी explain किया था. So there is a post office in most neighborhoods. Almost सब neighborhoods में कुछ एक ना एक post office ज़रूर होता है. नेबरहुड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको छत से दिख रहा है या आपके घर के जस्ट बगल में वॉल के पास में ही हो. नो, राइट? पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा डिस्टेंस लाइक ए 1 या 2-3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में भी होता है. सो वी गो टू द पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स एंड एनवलप्स. वी कैन ऑल्सो सेंड मनी थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड मनी ऑर्डर. हम लोग मनी ऑर्डर की हेल्प से हमारे जो रिलेटिव्स हैं या बाहर की जो कोई रहता है जिसको पैसों की नीड है, हम उनको पैसे भी भेज सकते हैं. इज देयर अ लेटर बॉक्स नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास पास में कहीं पे लेटर बॉक्स है? हैव यू एवर रिटन अ लेटर एंड पोस्ट कार्ड इट इन पोस्टेड इट इन द लेटर बॉक्स? कभी लिखा लेटर, लिखा लेटर लिख के पोस्ट बॉक्स में डाला है कभी? ओके, नाउ अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि व्हाई डू वी राइट एड्रेस ऑन द लेटर. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट वर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, सो इसको लर्न करना है. ओके, इसका आंसर मैम आपको नोटबुक में देगी. नाउ मार्केट प्लेस. अब मार्केट प्लेस तो सबसे इंटरेस्टिंग जगह होती है सबके लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यू थिंग्स मिलती हैं. वी कैन गो एंड बाय न्यू थिंग्स. So marketplace, there is a marketplace in every neighborhood, right? सबके आस पड़ोस में कोई ना कोई छोटा सा मार्केट ज़रूर होता है. इट मे बी स्मॉल, छोटा सा हो सकता है, जैसे 2-3 शॉप्स का हो सकता है. इन सम नेबरहुड्स देयर आर बिग मार्केट्स विद मैनी शॉप्स. अब जो लोग सिटी साइड में रहते हैं, जैसे कि जिनका घर घंटाघर साइड में है या सिटी की साइड में है, जहाँ खूब बड़ा बड़ा मार्केट है, जो सरदारपुरा में रहते हैं उनके घर के आसपास खूब बड़े बड़े मार्केट्स हैं जहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं. और कुछ हैं जिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर के पास में सिर्फ 2 या 3 शॉप्स होती हैं या 5-6 शॉप्स होती हैं या एक छोटा सा शॉपिंग मॉल होता है, राइट? तो मार्केट की प्लेस जो साइज है दैट कैन बी बिग और स्मॉल बोथ. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स इन मार्केट प्लेस. देर इज़ अ ग्रॉसरी शॉप. ग्रॉसरी मतलब क्या होता है मैम नहीं बताएगी. चलो, शॉप वेयर वी कैन बाय ब्रेड, एग्स, राइस, व्हीट एंड अदर थिंग्स दैट वी नीड डेली. दैट मीन्स जो हमारा बेकरी का सामान होता है, जैसे हमें बिस्किट्स लेने हैं या कोई और चीज़ लेनी है, तो वो हमें कहाँ मिलती है? ग्रॉसरी शॉप में, राइट? जैसे कि हमारे घर के आसपास में नहीं होता है, 15AD होता है, किसी के घर के पास में किसी और तरीके का बेकरी होता है, तो हम लोग इससे क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर जाके बेकरी के स्टफ्स खरीदते हैं. The vegetable seller or the green grocer sells vegetables. So who sells vegetables? A green grocer. Vegetables green color की होती है, तो उससे आप याद रखना कि a green grocer sells the vegetables. There are shops
सेलिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, बुक्स एंड पेंसिल्स एंड टॉयज, स्टेशनरी शॉप होती है सबके घरों के पास में, राइट? वहाँ से हम क्या खरीदते हैं, हम वहाँ पे जाके बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, पेन एक्सेट्रा, काफ़ी सारी पढ़ाई का जो भी सामान होता है हम स्टेशनरी से ख़रीदते हैं, टॉयज़ के स्टोर पे जाके हम टॉयज़ लेते हैं, एंड देन यूटेंसिल्स के शॉप मतलब जो बर्तन के शॉप्स होते हैं वहाँ पे हम जाके क्या लेते हैं, बर्तन ख़रीदते हैं, कप्स हो गए, बोल्स हो गए, प्लेट्स हो गई, ऑल दीज थिंग्स. वी गो टू द केमिस्ट टू बाय मेडिसिन. सो मेडिसिन हमें कौन देता है? केमिस्ट. नाउ वी विल लर्न अबाउट नेबरहुड पार्क. नेबरहुड पार्क भी सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें शाम को जाके खेलने को मिलता है. सो नेबरहुड पार्क, देर इज़ अ पार्क इन एवरी नेबरहुड. ओके, अगर आपके घर के पास में भी पार्क है तो अभी आपको क्या करना है, अभी शाम के टाइम पे रेगुलरली आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में मास्क लगा के एक सैनिटाइज़र की बोतल साथ में लेके जानी है और वहाँ पे खेलना है, राइट? वापस घर में आने के पहले यू विल सैनिटाइज योर हैंड्स, यू विल डिस्पोज ऑफ योर मास्क एंड यू विल कम एंड वॉश योर हैंड्स और टेक अ बाथ, राइट? क्योंकि अगर आप पूरे दिन घर में बैठ के सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, फ़ोन पे गेम्स खेलोगे, तो आपकी आईज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. यू नीड टू बी एक्टिव फिजिकली ऑल्सो, राइट? सो देर इज़ अ पार्क इन एवरी नेबरहुड. सबके घर के पास में पार्क होता है. चिल्ड्रेन प्ले मैनी गेम्स इन द पार्क वाइल एल्डर्स गो फॉर वॉक एंड एक्सरसाइज, राइट? जहाँ पे ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा वॉकिंग कर रहे हैं और हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, राइट? इस तरीके से होता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. दैट इज़ वेरी गुड. और ये सब हम कहाँ करते हैं? हम नेबरहुड पार्क में करते हैं. सम पीपल गो टू द पार्क टू गेट फ्रेश एयर. ऑब्वियसली जब आप अर्ली मॉर्निंग जाओगे पार्क में तो आपको बहुत अच्छी फ्रेश एयर मिलती है, राइट? इवनिंग में जाते हैं तब ये अच्छी सी फ्रेश एयर मिलती है. इन विंटर्स पीपल माइट हैव स्मॉल पिकनिक्स इन द नेबरहुड पार्क. जब विंटर्स होते हैं तो हल्की हल्की जब धूप होती है, जब हमको धूप बहुत अच्छी लगती है, तो वी कैन गो एंड हैव पिकनिक ऑल्सो इन दैट, राइट? सो दिस इज, दीज ऑल आर योर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द नेबरहुड, जो हमारे घर के आसपास में मोस्टली ऑलमोस्ट सबके घर के आसपास में ये शॉप्स होती हैं. ओके, सो नाउ यू विल गोइंग टू रीड द चैप्टर, यू विल गोइंग टू लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स. मैम हैज़ ऑलरेडी शेयर्ड विद यू द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. काइंडली स्टार्ट लर्निंग एंड टुमारो इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल शेयर विद यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, राइट? वी विल गोइंग टू प्रोसीड विद दिस चैप्टर अहेड इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एंड गुड डे.